हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अबाउट द जनरल अवेयरनेस पोर्शन। ठीक है, अगर हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस जो जीए का पोर्शन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फेज़ वन एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। तो जीए की पोर्शन की अगर हम बात करें तो पोर्शन बहुत ही वास्ट है कि नहीं। यहाँ पे हमारा स्टैटिक पोर्शन भी आ जाता है, स्टैटिक जीए आ जाता है, करंट जीए आ जाता है, देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग न्यूज़ हो जाती हैं, कितने सारे रिपोर्ट्स हैं, कितने सारे का सारे इंडिसेस हैं, कितने सारे स्कीम्स हैं, देन अदर करंट अफेयर्स। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर द पोर्शन ऑफ जनरल अवेयरनेस, दैट वी कॉल्ड इट एज जीए, है कि नहीं। तो आज के इस सेशन में हम इन डेप्थ इन डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि हमें जनरल अवेयरनेस जीए का पोर्शन कैसे हैंडल करना है फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, हम जीए के पोर्शन को किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीए का पोर्शन जो है वो बहुत ही वास्ट है, है ना। तो हर एक न्यूज़, हर एक इश्यूज़, जो न्यू स्कीम्स आई हैं 3 से 6 महीने पहले की न्यूज़ आई हैं बिफोर एग्जामिनेशन, इतनी सारी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, न्यू इंपॉर्टेंट डेज हो जाती हैं, थीम्स आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इन डेप्थ आपको बताने वाली हूँ रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ मैं आज बताने वाली हूँ आपको। एंड ये जो सेशन है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, एंड जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम आरबीआई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है एज वेल एज इंटरेस्टिंग सेशन। सो गाइज, आपने क्या करना है, इस वीडियो को इन डेप्थ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि बीच में कोई भी पोर्शन आपका छूट ना जाए। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको कहती हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारे 3 फेजेस की, है ना। यहाँ पे भी एग्जाम्स होते हैं, फेज़ 1 दैट इज़ आर प्रीलियम्स, फेज़ 2 दैट इज़ आर मेन्स, एंड द थर्ड पार्ट वी हैव आर फेज़ 3 दैट इज़ आर इंटरव्यू सेशंस, है ना। तो अभिपीडिया आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी मटेरियल्स, द वीडियो कोर्सेज, द माइक्रो कोर्सेज, द टेस्ट सीरीज और द कंप्लीट कोर्स। तो आपने क्या करना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अभी हमारा अभिपीडिया में रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी के लिए 7-day trial चल रहा है, 7-day trial एक प्रोग्राम चल रहा है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जब आप विजिट करोगे हमारा अभिपीडिया पोर्टल पे आप पहुंच जाओगे, वहाँ पे जब आप जाओगे हमारे कोर्सेज को विजिट कीजिए रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी, दी वीडियो कोर्सेज जो अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं, हमारे पास टेस्ट सीरीज़ हैं, हमारे पास मॉड्यूल वाइज कोर्सेज है, फुल कंप्लीट कोर्स आप क्या करना है, आपको रिव्यू करना है, ओवरव्यू कीजिए हमारे फुल कोर्स को, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि आप ज़रूर हमारे 7-day trial जो प्रोग्राम चल रहा है इसको आप ओवरव्यू कीजिए रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की, किस हिसाब का, किस टाइप का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ओवरव्यू कीजिए, उसके बाद आप अपने डिसीजन लीजिए कि वेदर यू आर गोइंग टू पेड फॉर दिस आरबीआई ग्रेड बी कोर्स और नॉट। ठीक है, अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं तो हर एक चीज रिगार्डिंग आरबीआई, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द आरबीआई वेबसाइट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग द आरबीआई नोटिफिकेशन, कुछ भी न्यू अनाउंसमेंट हो गया, जो इश्यूज होती हैं, वो सारी चीजें अपग्रेडेड मटेरियल आपको मिलेगा, अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। जितनी भी सारी न्यू आने वाले टाइम पे जितनी भी सारी अपग्रेडेशन आती हैं, अपडेशन आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी हमारे अभिपीडिया के पोर्टल पे। हमारे लाइव लेक्चर्स होने वाली है, हमारी जो यूट्यूब सेशंस है वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो पहले आप हमारे 7-day trial को, इस प्रोग्राम को देखिए, ओवरव्यू कीजिए हमारा फुल पैकेज जो है आरबीआई ग्रेड बी का, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग जनरल
अवेयरनेस कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या प्लानिंग होने वाली है, कैसे हम जनरल अवेयरनेस का जो जीए का पोर्शन है उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ओके जैसे कि हमें पता है कि कोई भी एग्जामिनेशन आप ले लो, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी यूपीएससी एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टेट का एग्जामिनेशन, वेदर हो गया नबार्ड हो गया आरबीआई हो गया सेबी हो गया, तो ये सारी एग्जामिनेशन में जीए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। GA plays a very important role in this, in these examination. And अगर हम RBI grade B की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी GA का एक बहुत ही important role play है in the phase 1 examination of RBI grade B. अगर हम सिर्फ phase 1 की बात करते हैं तो phase 1 में ही हमारे जो subjects हैं that is GA हो जाता है आपका, general awareness हो जाता है, then quant, then हमारा third हो जाता है reasoning, एंड फोर्थ हो जाता है हमारा इंग्लिश। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे जीए का पोर्शन। हमारा फेज वन जो एग्जामिनेशन होता है वो टोटल 200 मार्क्स के लिए होता है ना। तो 200 मार्क्स में से 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 200 क्वेश्चन में से सिर्फ 80 क्वेश्चंस जो है वो जीए के रिगार्डिंग पूछा जाता है आपको। 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए जीए के लिए पूछा जाता है। अगर हम पिछले साल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, आरबीआई का जो एग्जामिनेशन हुआ था तो वहां पे 80 क्वेश्चंस पूछा गया था रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर बहुत ही वास्ट सिलेबस, बहुत वास्ट पोर्शन आपका है, दैट इज स्टैटिक हो गया, करंट हो गया, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स, द रिपोर्ट्स, द इंडेक्सेस, है ना, जो इश्यूज चल रहा है, करंट इश्यूज जो चल रहे हैं। एंड हम अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जीए की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन से ठीक 4 से 6 मंथ्स पहले का जो न्यूज़ है, जो अपग्रेडेशन है, जो इश्यूज़ हैं, जो स्कीम्स आई हैं हमारी गवर्नमेंट का, जो इनिशिएटिव्स लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ कवर करना है। तो इन दिस लेक्चर मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जीए के अंडर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फेज वन जो एग्जामिनेशन होता है, दिस इज दी क्वालिफाइंग स्टेज। आरबीआई ग्रेड बी का फेज वन का जो स्टेज है वो क्वालिफाइंग स्टेज है। जब आप फेज वन में क्वालिफाई हो जाते हो फिर आप चले जाते हो फेज टू में। फेज टू इज ऑफ, हम कह सकते हैं फेज टू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टू गो इन दी फाइनल राउंड, दैट इज फॉर फेज थ्री द इंटरव्यू सेशंस। फेज टू में हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन वी हैव ESI, ठीक है, एंड देन वी हैव द फेज थ्री एग्जामिनेशन, दैट इज इंटरव्यू सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं फेज वन जीए का पोर्शन, जीए का पोर्शन हम कैसे हैंडल आउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से 80 क्वेश्चन पूछा गया है 80 मार्क्स के लिए, तो 80 मार्क्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टू क्लियर द एग्जामिनेशन, है ना। तो ये बात हो गई हमारी। देन हम नेक्स्ट चल लेते हैं कि फेज वन में किस हिसाब से कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना मिनट्स आपको दिया जाता है टू फिनिश योर, टू कंप्लीट योर पेपर, है ना। अगर हम यहाँ पे जीए की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितना पूछा जाता है, 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए। देन रीजनिंग हो जाता है हमारा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एंड क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, 200 में से सिर्फ 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जीए के रिगार्डिंग। यहाँ पे बात आ जाती है जीए की, अगर हम बात करते हैं तो हमारा करंट, हमारा स्टैटिक पोर्शन, है ना, करंट में ही हम बोल सकते हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर से जितना रिलेटेड न्यूज़ है वो आ जाती हैं, देन स्कीम्स आ जाती हैं हमारी यहाँ पे, देन रिपोर्ट्स, देन इंडेक्सेस, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, एंड थर्ड पार्ट जो हो जाता है हमारा अदर करेंट अफेयर्स। अदर करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती हैं बुक्स एंड ऑथर्स के नाम, ओलंपिक स्पोर्ट्स हो गया, देन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस डिफेंस के अकॉर्डिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दी अदर करेंट अफेयर्स के पोर्शन में।
ठीक है, तो हम जीए का पोर्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें बहुत दिक्कत होती है कि इतना वास्ट पोर्शन है, इतनी सारी न्यूज़ रोज़ आती हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ स्कीम, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है, कुछ इश्यूज़ हो जाता है, स्कीम से रिलेटेड रिपोर्ट्स इतनी सारी आती हैं, तो वो सारी चीज़ें इन डेप्थ हम कैसे याद रखें। तो इसका एक तरीका होता है याद रखने का, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर एग्ज़ाम हमारा अप्रैल या मई में है, तो अप्रैल में अगर एग्ज़ाम है हमारा, तो ठीक एग्ज़ाम से ठीक 4 से 6 महीना जो पहले का 4 से 6 महीना पहले का जो न्यूज़ है, जो इश्यूज़ हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, जो करंट इश्यूज़ चल रहा है, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ आपको ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम जीए की बात करते हैं तो 4 to 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि कहीं से भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक से भी, करंट से भी। लेकिन अगर हम इन तीन चीज़ों की बात करते हैं, करंट, स्टैटिक एंड अदर करंट अफेयर्स, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट। बेसिकली हम कह सकते हैं 40 से 60 क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है करंट अफेयर्स से, करंट इश्यूज से, स्कीम से। अगर हम आरबीआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्कीम्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है करंट इश्यूज पे ध्यान रखना है, और स्कीम्स, हमारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेकर आई हैं, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। देन अब अभी हमारा जो बजट सेशन आया है, जो इकोनॉमिक सर्वे सेशन आया है, तो वो सारी चीज़ें इन डेप्थ आपको ध्यान रखना है कि किस सेक्टर के रिगार्डिंग कितना हमारे गवर्नमेंट ने कितना आउटले बनाया है, कितना खर्च करना है, कितने साल तक ये स्कीम्स रहने वाला है। अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं तो इस स्कीम को क्यों स्टार्ट किया गया, व्हाट इज़ द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम, कब तक ये स्कीम रहेगी, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम स्टार्ट किया गया है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर जीए के अंदर हमारे करंट में। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन फेज वन, ठीक है, जहाँ पे हम जीए का पोर्शन देख रहे हैं। अब हमारी जनरल अवेयरनेस स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्या कैसे हम स्ट्रैटेजाइज करें अपने स्टडीज़ को, हम कैसे प्लान करें, क्योंकि अगर हम फेज़ वन की बात करते हैं तो फेज़ वन में ही हमारा क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है एंड जीए भी है। तो जीए प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन द फेज़ वन। तो पहले आपने क्या करना है, रीड टू इंक्रीज नॉलेज। जीए मतलब क्या हो गया कि हम जो पर्टिकुलर सेक्शंस की बात करते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक और करंट जो इश्यूज़ चल रहा है या अदर करंट अफेयर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, तो वो आपको याद रखना है। अपने नॉलेज को और अपग्रेड कीजिए और स्ट्रेंथन कीजिए कि आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर सकते हो, अगर हम जीए की बात करते हैं तो। अभी हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का जो एग्जामिनेशन है वो इजी मॉडर्न पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें, अगर हम 2021 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो क्वेश्चंस वर मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस, नॉट एट ऑल इजी लेवल क्वेश्चंस। तो उसी हिसाब से आप अपने स्टडीज़ को स्ट्रेटजाइज कीजिए, प्लानिंग कीजिए कि आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको पहले क्या करना है, अपने नॉलेज को और इंक्रीज करना है, अपग्रेड करना है। भले आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता है, पॉलिसीज़ के बारे में पता है, प्रोग्राम्स जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उनके बारे में पता है, बट उसको और अपग्रेड कीजिए। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूज़पेपर हो जाता है हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, देन हम कह सकते हैं दैनिक भास्कर। तो ये सारी न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको डेली रेगुलर बेस पे पढ़ना ही है, करंट इश्यूज़ को जानने के लिए, करंट रिपोर्ट्स को जानने के लिए, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बनाई है, कौन कौन से प्रोग्राम्स अंडरटेक कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपके नॉलेज में क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है, आप अपने नॉलेज के और स्ट्रेंथन कर सकते हो व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया, रीड टू इंक्रीज नॉलेज, न्यूज़पेपर की हमने बात कर ली। देन सेकंड आ जाता है हमारा, बिल्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चराइज कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो एक नोटबुक,
ठीक है, आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करना है। नोटबुक में क्या करना है आपको, आप एक एक नोटबुक है उसी में से हाफ ऑफ कर लीजिए, आप स्कीम्स के अकॉर्डिंग जो करंट इश्यूज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक नोटबुक प्रिपेयर कीजिए। एक नोटबुक के अंदर एक पार्ट हमारा करंट इश्यूज जो चल रहा है, देन सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं स्कीम्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्कीम्स आई हमारे हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन सा स्कीम लॉन्च किया है बिफोर द एग्जामिनेशन, 4 से 6 महीने के बीच में कौन कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देन थर्ड हमारा आ जाता है रिपोर्ट्स, है ना, अदर करंट अफेयर्स। ये तीन जो चीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जीए के पोर्शन से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग करंट इशू के, करंट जीके के अकॉर्डिंग। अगर हम स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक में आपको पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, डैम्स रिवर्स के बारे में, है ना, थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी स्टैटिक पोर्शन। एंड स्टैटिक पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है कि आपको एक बार ध्यान आ गया है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं आती हैं। स्टैटिक मीन्स वो कांस्टेंट है उसी जगह। अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया, एक बार उन कंटेंट को समझ लिया, तो आपको ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रहेगी। एंड आपके लाइफ में जितने भी स्टेजेस आप आएगी, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो, तो वहाँ पर हर एक स्टेज में आपको वो चीज़ काम आने वाली है अगर हम स्टैटिक की बात करते हैं तो। लेकिन करंट में क्या हो जाता है, करंट में अपग्रेडेशन आती हैं, चेंजेस आती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी आपको करंट इश्यूज़ के बारे में पता चलेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता चलेगा, रिपोर्ट्स के बारे में पता चलेगा, अनाउंसमेंट के बारे में पता चलेगा, जो भी सर्कुलर्स आई हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक नोटबुक बनाइए एंड अलग अलग स्कीम्स, अलग जो रिपोर्ट्स जो इश्यूज हैं उसमें वो चीज़ ऐड करते रहिए, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे एक इजी वे हो जाता है कि जब भी मेरा एग्जामिनेशन हो मैं उस बुक को खोलना है मुझे एंड एक लाइन से बस याद कर लेना है। या फिर आप अपने घर पे दरवाज़ा के पीछे एक बड़ा सा चार्ट पेपर, वहाँ पे अपने चार्ट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि कभी भी आप सोए, अपने रूम पे जा रहे हो, कभी भी आप बेड पे जा रहे हो, तो एक नज़र मार लिया कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं मुझे याद है। तो ये क्या हो जाता है, एक ईजी वे हो जाता है, आप इन सारी चीज़ों को कभी भूलोगे नहीं। जो आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया स्टैटिक, वो तो स्टैटिक ही है। करंट में भी क्या करना है, जो पहले का है वो तो आपने बना लिया, बट जो अपग्रेडेशन आ रही है, जो अपडेशन आ रही है, उस चीज़ को आप और एडअप करते जा रहे हो। तो ये हमारी क्या है, प्लानिंग है। अब हम अपनी जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पोर्शन है, उसको स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि इस हिसाब से हम उसे याद रख सकते हैं। देन थर्ड हमारा आ जाता है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली नॉर्मल सी बात है, हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, हम क्या करते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें, एक नज़र मार लें कि हाँ पिछले साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम पिछले साल की बात करें, जीए की बात करते हैं, तो जीए में से करंट अफेयर्स का पोर्शन अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ में स्कीम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, रिगार्डिंग दी अमृत स्कीम, AMRUT, अमृत स्कीम के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था इन द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन ऑफ RBI ग्रेड बी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अमृत, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमृत, अमृत स्कीम का मेन क्यों लाया गया हमारे कंट्री के अंदर, इसका मेन एम क्या है, कौन से मिनिस्ट्री ने इसे डेवलप किया है, एस्टैब्लिश किया है, तो ये सारा इसका बजट आउटले क्या है। तो ये सारी चीजें इन डेप्थ आपको मालूम रहना चाहिए अगर हम स्कीम्स की बात करें, व्हाट व्हेन व्हाई हाउ। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ही है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिक से, एंड हम कह सकते हैं कि 40 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपको करेंट अफेयर्स से, बैंकिंग हो गया, स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज, हो गया हमारा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व किया, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर उठाना है, क्वेश्चंस देखना है। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद आपको प्लानिंग करनी कि क्या कौन कौन सी चीज़ के बारे में मुझे पता है, तो वो अच्छी बात है। एंड कौन कौन सा ऐसा मॉडरेट पोर्शन है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पार्ट जो है मेरा वीक है, तो मुझे क्या करना है, उस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन, है ना। इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देन आ जाता है हमारा रिवाइज द नोट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, नोट्स हम कब बनाते हैं, हमने एक नोटबुक तैयार कर लिया, ऑलवेज क्रिएट अ नोट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें क्या करना है, नोटबुक अपना बनाना है। नोटबुक में अलग अलग पोर्शंस बांट देना है कि ये स्टैटिक का पोर्शन है, ये करंट का पोर्शन है, ये एंड अदर्स का पोर्शन है। स्टैटिक तो हमारा मेंटेन हो गया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है, वो चीज़ वहीं पर कॉन्स्टेंट है, लिमिटेड है, ओके। देन हमारा पार्ट आ जाता है करंट अफेयर्स का, यहाँ पे बैंकिंग हो गया, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, इश्यूज, अनाउंसमेंट, वो सारी चीज़ें आ गई, स्कीम्स, वो सारी चीज़ें आ गई हमारे करंट के पोर्शन में, जहाँ पे अपग्रेडेशन होते रहती हैं। हमें पता है कि स्कीम्स किसके बारे में है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिस्ट्री किसके अंडर है, वो सारी चीज़ें पता है, बट उसी के ऊपर क्या क्या अपडेशन आती है, वो चीज़ आपको अपडेटेड रहना है। इसी के लिए हमें एक नोटबुक क्रिएट करनी है। एंड थर्ड आ जाता है हमारा अदर करेंट अफेयर्स, कि आने वाला जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पर होने वाला है, नोबल प्राइजेज, बुक्स एंड ऑथर्स, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे अदर करेंट अफेयर्स में। तो एक बुक को आपको तीन पार्ट करना है, या फिर आप अपने दीवार पे चिपका लो एक चार्ट बना के, कि मतलब कभी भी हम बाहर अंदर जाएं, एक नज़र पड़ जाए, हाँ बस हमें याद है। तो जीए के पोर्शन को हम इस हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत ही ईजी वे हो जाता है कि जब भी हमारा एग्जामिनेशन आएगा, हम अगर आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए इजी हो जाती है कि वो नोटबुक हमें खोलना है। हम तो रोज़ रिवाइज करते हैं, आज भी एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले आपको रिवीजन करना है अच्छे से, एक ही बुक में आपको अलग अलग जगह से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकट्ठे ही आपने हर एक चीज़ एक ही नोटबुक में जमा कर लिया है ऑलरेडी, तो आपको 50 जगह से देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको न्यूज़पेपर्स रोज़ पढ़ने हैं, रोज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूज़पेपर्स, जो हिंदू, जैसे कि मैंने आपको बताया द हिंदू न्यूज़पेपर, कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, स्टेट लेवल हो, आरबीआई हो, नबार्ड हो, तो ये जो न्यूज़पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, जो कि रेगुलर वे में आपको पढ़ना ही है, टू अपग्रेड योर नॉलेज, टू स्ट्रेंथन योर नॉलेज, हो गया। तो ये एक मेन स्ट्रैटेजी हमारी हो गई टू प्रिपेयर जीए पोर्शन, ठीक है। हमारे नॉलेज के लिए क्या करना है, हमारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है, प्रैक्टिस करना है हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन रिवीजन करना है अपने नोट्स को। तो इन सारे चीज़ से क्या हो जाएगा, हमें अपने आप हमारी नॉलेज जो है वो अपग्रेड हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी, हमें अपडेटेड रहना है बस, ओके। देन हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस का पार्ट, कि कितना पार्ट जो है, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए थे, एंड इतने मार्क्स से क्वेश्चंस आगे भी, जब भी एग्जामिनेशन होगा आपको आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अंडर जीए। अगर हम स्टैटिक जीए की बात करते हैं, तो 10-15 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीए के से पूछा जाएगा। आगे मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगी कि स्टैटिक जीए में ऑलरेडी क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टैटिक जीए की बात करते हैं, तो 10-15 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है अगर रिगार्डिंग जीए, ठीक है। देन आ जाते हैं हम करंट जीए, करंट की बात कर रहे हैं, तो ठीक आपको 4-6 महीने पहले एग्जामिनेशन आपका है, तो 4-6 महीने के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है, कौन से बैंक ने किससे मर्ज किया है, हमारे गवर्नमेंट पीएसयूज़ का क्या हाल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हमारी बैंक्स ने कौन सी ऐप्स लॉन्च की हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी जीए के पोर्शन में, एंड सिर्फ करंट जीए के पोर्शन में। एंड करंट जीए से ही हम पे सिर्फ 50-60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, तो 80 क्वेश्चंस पूछा गया था रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस, जिसमें से 50-60 मार्क्स सिर्फ करंट से आया था। एंड अगर हम करंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये हमारा पहला पार्ट हो गया ऑफ करंट जीए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, तो कौन से बैंक ने किससे मर्ज किया है,
कौन से बैंक्स ने ऐप्स लॉन्च किया है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। क्रेडिट ग्रोथ के बारे में हमारी मॉनिटरी पॉलिसी ने क्या रिपोर्ट जारी किया है रिगार्डिंग क्रेडिट ग्रोथ, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। तो वहाँ से आपको 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड 15-20 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा ही आने वाले एग्जामिनेशन में भी। देन हमारा आ जाता है रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स। रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स से। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना वास्ट पोर्शन है, हम किस किस हिसाब से हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने पोर्शन को। तो अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, तो आरबीआई का अगर आपको पोर्शन हैंड आउट करना है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको उतना ही पोर्शन पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, जितना आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। अगर हम रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स की बात करते हैं, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स अंडर आरबीआई, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, पॉवर्टी के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है वर्ल्ड का, हमारा इंडिया का, पॉवर्टी के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक आउटलुक के रिगार्डिंग, तो ये सारे रिपोर्ट्स जो हैं आपको इन डेप्थ पढ़ने हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, है ना, एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो जो चीज़ आपके सिलेबस में मेंशन किया गया हुआ है, प्रेस्क्राइब किया गया है, उसी से रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स भी पढ़ने हैं। स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल स्कीम्स हो गया पीएम किसान, पीएम आवास योजना, आत्मनिर्भर भारत, जितने भी सारे स्कीम्स हैं हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम। एंड ध्यान से 4 से 6 महीने ठीक पहले एग्जामिनेशन से ठीक पहले कितने सारे स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोग्राम्स, तो वो चीज़ें इन डेप्थ आपने देखनी है। इन ध्यान उस स्कीम का मेन मोटिव क्या है, ठीक है। तो वहाँ से आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन। एंड आ जाता है लास्ट वन, दैट इज़ आर अदर करेंट अफेयर्स। अदर करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछा जाएगा 20-30 मार्क्स के लिए। अगर हम 20-30 मार्क्स के लिए बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो हमें पता चल गया कि करेंट जीके का है, ठीक है। उसके बाद जो वेटेज अगर हम देखते हैं, तो अदर करेंट अफेयर्स का, दैट इज 20-30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जीए के अकॉर्डिंग। बुक्स एंड ऑथर्स, फिल्म्स, मूवीज के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक के बारे में, डिफेंस के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर सीए, अदर करेंट अफेयर, करंट जीके, ठीक है जी, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, जहाँ पे आपको पता है स्टैटिक पोर्शन है जो कि कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। बट करंट जो जीए है उसमें चेंजेस आती हैं, अपग्रेडेशन आती हैं, उसी हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना है, ओके। देन हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टैटिक जीए के अंदर 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टैटिक जीए के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको पढ़नी है, दैट इज़ आ जाता है हमारा सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल आ जाता है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, बंधागढ़ नेशनल पार्क, देन कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, देन आ जाता है हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, देन आ जाता है हमारा नगारा होल टाइगर रिजर्व, चिनार वाइल्ड लाइफ रिजर्व, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारा सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ में। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इसमें चेंजेस नहीं आती, ये कांस्टेंट है। अगर आपने एक बार समझ लिया, तो आपको इन डेप्थ हमेशा ज़िंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जामिनेशन हो, कहीं से भी अगर आपको पूछा जाएगा, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। ये हो गई हमारी सेंचुरीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ की बात। देन आ जाती है अंडर स्टैटिक, दैट इज़ रिवर्स, डैम्स, लोकेशन, कि कौन सी रिवर्स कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ अगर हम गंगा की बात करें, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, एंड यहाँ पे डैम्स के लोकेशन आ जाती हैं, दैट इज़ भाखड़ा डैम हो गया, हीराकुड डैम हो गया, सरदार सरोवर डैम हो गया, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर डैम्स, डैम्स लोकेशन। एंड अभी तक अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो हाईएस्ट लेवल जो डैम्स हैं आगे, अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 4,300 डैम्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, जिनका काम ऑलरेडी हो चुका है इंडिया के अंदर, रिवर्स एंड डैम 4,300 अप्रॉक्स। देन आ जाता है हमारा एयरपोर्ट लोकेशंस, हमारी एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी लोकेशंस कहाँ पे हैं, मूवीज़ आई हैं, कौन कौन सी मूवीज़ आई हैं अभी, उनकी पहले की मूवीज़, नोबल प्राइजेज, इम्पॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज हो गई हमारी, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, वर्ल्ड वाटर डे हो गया, देन ह्यूमन राइट्स डे हो गया, देन वर्ल्ड टीवी डे हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर
इम्पॉर्टेंट डेज है कि नहीं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इंडियन आर्मी डे, तो ये सारी चीज़ें हो गई अंडर इम्पॉर्टेंट डेज अंडर स्टैटिक जी के. देन इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स जहाँ पे हमारी मैचेस होती हैं, क्रिकेट मैच बोलो या फुटबॉल मैचेस बोलो, जो भी बोलो, तो ये स्टेडियम्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन सी जगह है इंडिया के अंदर, अगर है उसका लोकेशन क्या है, कौन कौन से स्टेट में है, अगर इंटरनेशनली बोले तो स्टेडियम्स आपको याद रखना है. देन रीजनल फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी सारे फेस्टिवल्स उनके होते हैं, दैट इज़ दिवाली, गणपति, ईद, बकरीद, तो ये सारी चीज़ें, होली, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर फेस्टिवल्स. देन फोक डांसेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का फोक डांसेस क्या है, वो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती. हेरिटेज साइट्स, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. देन कंट्रीज़, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ कहाँ लोकेटेड है, उनके कैपिटल्स क्या हैं, क्या कंट्री के करेंसी का नाम क्या है. देन हेड क्वार्टर्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड क्वार्टर्स का नाम क्या है. देन हमारा हो जाता है बैंक्स के रिगार्डिंग, नेशनल बॉडीज़ के रिगार्डिंग, की इंटरनेशनली जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, तो क्या क्या रिलेशंस हमारे इंडिया के साथ, रिलेशंस क्या है, तो ये सारी न्यूज़ इश्यूज़ आपको ध्यान रखने हैं कि हमारे इंडिया जब इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है तो कौन कौन से बैंक से रिलेट करती है, कहाँ कहाँ से पैसा फंड्स आते जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. देन आ जाता है हमारा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की से कि जनरल असेंबली में कितने सारे सीट्स होती हैं, पॉलिटिक्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको अपग्रेडेशन रहना है कि ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती, तो इसके लिए ये सारा पोर्शन जो है हमारा स्टैटिक जीए के अंदर आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. एक बार पढ़ लिया उसके बाद लाइफ टाइम के लिए हमें याद है, कोई भी एग्ज़ाम हो जीए के लिए मुझे वरी नहीं करना है रिगार्डिंग स्टैटिक. ओके, देन हम बात कर लेते हैं हमारा करंट जीके. करंट जीके की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बोला था 40-60 मार्क्स का क्वेश्चंस आता ही है, ठीक है, 60-65 भी हम ले लें, ये जी करंट जीए जो है, जीके जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. जो करंट न्यूज़ है, करंट इश्यूज चल रहा है, अनाउंसमेंट हुए, नोटिफिकेशन आई है बैंक्स के अकॉर्डिंग, कौन से बैंक ने क्या लॉन्च किया है, मर्जर्स एंड अमालगमेशन, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर करंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग. तो करंट जीके की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आ जाता है, दैट इज़ RBI नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स एंड प्रेस रिलीजेज. ठीक है, RBI के बारे में अगर करंट की बात करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 20 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको RBI के रिगार्डिंग. तो आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है कि RBI का जो वेबसाइट है, आपको इन डेप्थ उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन गेन रहना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, RBI का डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन क्या हुआ है, क्या रिपोर्ट्स RBI ने जारी किया है, प्रेस रिलीज़ क्या किया है, अनाउंसमेंट क्या है किया है, इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इन डेप्थ अपग्रेडेड आपको रहना चाहिए, अपडेशंस आपको होना चाहिए, मालूम. तो आपको RBI का जो वेबसाइट है वो आपको इन डेप्थ पढ़ना है, इन डिटेल. ठीक है, अगर हम RBI नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो हाल ही में RBI ने एक लेटेस्ट अपग्रेडेशन दिया था, दैट इज अबाउट दी लिक्विडिटी बूस्ट, है ना, लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट जारी किया था बाय आर MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. देन सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे न्यू गाइडलाइंस आई थी रिगार्डिंग RBI, दैट इज कार्ड डिटेल पेमेंट्स के रिगार्डिंग. कार्ड डिटेल पेमेंट जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग भी न्यू गाइडलाइंस आई हैं रिगार्डिंग दी प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड दी कंज्यूमर्स. तो ये बात हो गई कार्ड डिटेल पेमेंट्स की. हम तीसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम यहाँ पे बात आ जाती है. RBI ने हाल ही में ऑम्बड्समैन स्कीम के बारे में भी कुछ रिपोर्ट जारी किया था, दैट इज़ RBI डायरेक्ट स्कीम एंड द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम. यहाँ पे क्या, कस्टमर्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाती है. तो ये जो न्यू इश्यूज़ हैं इससे आपको अपडेटेड रहना है. ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं हमारा यूनियन बजट जो हाल ही में 1st of February हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ गया था एंड 2nd of February हमारा बजट आ गया था, यूनियन बजट. तो इन डेप्थ आपको यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है.
मैंने इकोनॉमिक सर्वे पे एंड यूनियन बजट पे क्लास भी ली है इन डेप्थ। आप हमारे अभीपीडिया पोर्टल पर विजिट करोगे तो वहाँ पे भी अवेलेबल है एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। इन डेप्थ आपको मैंने ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैंने दिया है। अगर हम बजट की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बात की गई है एंड इस साल का बजट सेशन में सबसे ज़्यादा बात किया गया है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिगार्डिंग पीएम गति शक्ति कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, है ना। देन हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली एक कंपैरिजन है कि पिछले साल हम कौन कौन से सेक्टर्स में एक्सपैंड कर रहे थे, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो उन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का मेन थीम क्या रहा है, दैट इज़ अजाइल अप्रोच। अजाइल अप्रोच कि गवर्नमेंट का ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी अप्रोच है कि डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज़ है, बेसिकली हम कह सकते हैं जीडीपी ग्रोथ हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, देन हमारा हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ मैंने आपको बताई हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक सर्वे भी। हमारी गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी क्या है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी अप्रोच कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एक कुछ दिन के लिए वो देखेंगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगी कि क्या इस सेक्टर में अगर हमने इतना आउटले दिया है, क्या ये सेक्टर एक्सपैंड कर रही है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारी कंट्री के इकोनॉमी को रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे हमारे गवर्नमेंट का चेकआउट रहेगा। अगर वो पॉलिसी अपना के भी वो एरियाज़ में काम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हमारी कंट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस पर फिर से ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए इसके अप्रोच को बोला गया है शॉर्ट टर्म पॉलिसी अप्रोच, दैट इज़ अजाइल अप्रोच, ठीक है। देन थर्ड आ जाता है हमारा मर्जर्स कि मर्जर्स की हमारे कंट्री के अंदर कौन से बैंक ने मर्ज किया है विद डिफरेंट डिफरेंट बैंक। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम मर्जर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉरपोरेट बैंक एंड आंध्रा बैंक ने मर्ज किया है विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट में। कॉरपोरेट बैंक एंड आंध्रा बैंक ने मर्ज किया है विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देन सिंडिकेट बैंक जो है उन्होंने मर्ज किया है विद कैनरा बैंक। देन थर्ड आ जाता है हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मर्ज किया है यूनाइटेड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने मर्ज किया है विद पंजाब नेशनल बैंक से। देन अलाहाबाद बैंक ने मर्ज किया है विद इंडियन बैंक। तो ये सारे बैंक्स हैं जिन्होंने हाल ही में मर्ज किया है विद डिफरेंट डिफरेंट बैंक, तो इसी को हम मर्जर्स कहते हैं। तो वो भी करंट इश्यूज़ में आ जाता है कि आपको ध्यान रखना है कौन कौन से बैंक ने मर्ज किया है विद डिफरेंट डिफरेंट बैंक, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन ऐप्स, कौन कौन से बैंक्स ने न्यू ऐप्स लॉन्च किया है। अगर हम ऐप्स की बात करते हैं तो भारत इंस्टा पे हो गया हमारा एक ऐप, देन हो गया कस्टमर पेमेंट पोर्टल हो गया, देन सेबी ने एक हाल ही में ऐप लॉन्च किया था सारथी ऐप। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस किस बैंक ने कौन कौन सा ऐप लॉन्च किया है कस्टमर्स के लिए, है ना। देन आ जाता है हमारा इनिशिएटिव्स एंड माइलस्टोन्स बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल है एंड हमारी पीएसबीज का क्या रोल है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोग्राम्स चलाए हैं, तो वो सारी चीज़ें करंट इश्यूज़ में ध्यान रखना है। देन न्यूज़ रिगार्डिंग बैंक्स, दैट इज सेबी, नबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड हमने तो पहले मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि आरबीआई। तो जो रिगार्डिंग बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेबी क्या है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, नबार्ड दैट नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, सिडबी, तो ये सारे बैंक्स के बारे में भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, आरबीआई के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस जो प्रोविजंस बनाए गए हैं क्या वो बैंक फॉलो कर रही हैं, क्रेडिट ग्रोथ क्या है, एनपीएस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है रिगार्डिंग करंट जीके, ठीक है। ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से, वो भी एक करंट जीके में आता है। देन हम बात कर लेते हैं, दैट इज सेकंड, वी हैव स्कीम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरबीआई में स्कीम्स रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 4 से 6 महीने पहले जो हमारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च किया है, प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है एंड पहले से भी जो स्कीम्स लॉन्च किया है उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर नोटबुक आपने बनाना है, स्टैटिक, करंट एंड अदर्स,
करंट में आ जाता है हमारा स्कीम्स, तो स्कीम्स के रिगार्डिंग भी आपको नोट्स बनाने हैं। चार बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो बेनिफिशियल आपका रहने वाला है, 4 से 6 महीना पहले जो स्कीम्स आए हैं, हमारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स आए हैं वो। अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने इतने सारे स्कीम्स भी आपको दे दिए हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हैं। दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत के अंदर आ जाता है मिशन कर्मयोगी, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, देन आ जाता है हमारा समार्थ स्कीम, देन सव्य शिक्षा अभियान के अंदर आ जाता है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI। इस बार के बजट सेशन में PLI के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन किया गया है, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस चीज़ को हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए PLI स्कीम हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है हमारे कंट्री के अंदर और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी कंट्री में भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिके एंड इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो PLI स्कीम्स को जोड़ा गया है अंडर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। देन बात हम कर लेते हैं PMFML, दैट इज़ फॉर्नलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, देन कपिला कर्मा प्रोग्राम, नेशनल डिजिटल मिशन, सोलर चक्र मिशन, देन समार्थ स्कीम, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम्स, देन हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स, कुसुम स्कीम्स, देन नई रसोई स्कीम्स, स्वदेशी दर्शन स्कीम। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। वाटर, नेशनल वाटर मिशन, न्यूट्रिशन मिशन, ओपन ग्रीन स्कीम, देन PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम फॉर दी एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर दी फार्मर्स बेसिकली, देन प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, देन PM गरीब कल्याण योजना, जो बेसिकली योजनाज, ये योजनाज है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल हैं हमारे कंट्री के अंदर, उनको बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारे स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट ने निकाला है ना। देन न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री, जन धन योजना, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया MSME के लिए, तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिले एंड लोगों का जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो, कैसे होगी, उसको सोर्स ऑफ इनकम आएगा उनके पास, है ना। स्वच्छ भारत मिशन, संसद आदर्श ग्राम योजना, हराइडे मिशन, PM मुद्रा योजना, देन उजाला योजना, अटल पेंशन मिशन बेसिकली फॉर दी एल्डर पीपल के लिए। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं मैंने आपको दे दिए हैं, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आपको पढ़ना है, बट आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रीसेंट स्कीम, जो रिसेंटली लॉन्च हुई हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो सारे स्कीम्स। ओके, ये हमने बात कर ली स्कीम्स की अंडर करंट अफेयर्स, करंट GK। देन आ जाता है हमारा रिपोर्ट्स, बेसिक रिपोर्ट्स, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है, जो चीज़ आपको लग रहा है रिलेटेड है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वही चीज़ आपको पढ़नी है स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स की। हमारे हमने सिलेबस भी डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस क्लास में कि रिगार्डिंग ESI और फाइनेंस, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर रिलेटेड है ESI से, करंट की अगर हम बात करते हैं स्कीम से रिकॉर्डिंग, है ना। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो वेदर रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिपोर्ट है, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF, देन यूनेस्को, यूनिसेफ, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली कैसे डील कर रही है हमारी कंट्री के साथ, GNI, MPI, पॉवर्टी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, हेल्थ को लेके, तो ये सारी रिपोर्ट्स भी हैं। फॉर एन एग्जांपल हमारे रिपोर्ट्स हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, जो कि ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ADB के अंदर, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, हमारा इंडिया का भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो हमारी RBI के द्वारा जारी की जाती है, देन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट चेंज द वर्ल्ड लिस्ट, टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये सारे रिपोर्ट्स हैं, सेफ्टी रिपोर्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये सारे रिपोर्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है प्रॉपर, सबसे ज़्यादा कोर एरियाज़ है बेसिकली, हम इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, देन आ जाता है हमारा अदर करंट अफेयर्स, अदर करंट अफेयर्स से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 से 30 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ठीक है, अदर करंट अफेयर्स हमारा हो गया, ओलंपिक गेम्स की नेक्स्ट जो अभी इस साल का ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था, कौन से कंट्री में हुआ था, नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हमारा होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, देन हमारा आ गया स्पोर्ट्स विनर्स वेन्यूज लूजर्स, स्पोर्ट्स फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, टेनिस हो गया, तो इनके विनर्स कौन है, किसने लूज़ किया, इनका लोकेशन क्या था इस बार का, देन बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर लेते हैं, न्यू बुक्स ऑथर्स क्या है, फेमस अवार्ड्स किसे मिला, नोबल प्राइजेस, पीस प्राइजेस आ जाता है हमारे करंट अफेयर्स में, अदर करंट अफेयर्स में, देन थीम्स, इंपॉर्टेंट डे का मेन थीम्स क्या रहा है, जो हमने इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट डे है, हेल्थ डे है, टीवी डे है, वाटर डे है, देन ह्यूमन राइट डे है, तो उसकी थीम्स क्या हैं, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, IMF हो गया, WTO हो, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इनका पार्टनरशिप विद आ इंडियन गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें, क्या अग्रीमेंट्स हुई, क्या MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई, फंडिंग, बैंक्स, मेंबरशिप, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर अदर करेंट अफेयर्स, पर्सन इन न्यूज़, अवार्ड्स किसे दिया गया, अपॉइंटमेंट्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज कहाँ पे होने वाली है, उसका मेन एम क्या है, डिफेंस के अकॉर्डिंग साइक्लोन्स, हरिकन्स, अर्थक्वेक्स कहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, किस साल कब, ठीक है, तो गवर्नमेंट लॉन्चेस, बॉडी कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी अदर करेंट अफेयर्स में, तो यहाँ से भी आपको 20 से 30 मार्क्स पूछा जाता है, ठीक है, ओके गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है, जैसे मैंने आपको प्लानिंग बताई, अपनी स्ट्रैटेजी बताई, उसी हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी, अपने जो स्टडी है उसको स्ट्रैटेजाइज करना है, उसको और अपग्रेड करना है, नॉलेज को बिल्ड करने के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, ठीक है, नोटबुक बनाने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा 50 जगह से देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक ही जगह आपका जो नोटबुक है उसी से, एक रजिस्टर आपने बनाया है उसी से आपने स्टैटिक भी देख लिया, करंट भी अपग्रेडेड देख लिया एंड अदर करंट अफेयर्स भी देख लिया, तो अभिपीडिया आपको फुल इन डेप्थ हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड अभी हमारा 7 रेट ट्रायल भी चल रहा है, अगर हम अभिपीडिया 7 रेट ट्रायल प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे, लिंक पे विजिट करोगे तो हमारा अभिपीडिया का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या करना है, हमारे पोर्टल पे विजिट करना है, ये हमारा abhipedia.abhimanyu पोर्टल है, ठीक है, जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपने क्या करना है, चूज़ एग्ज़ाम पे जाना है, जब हम चूज़ एग्ज़ाम में जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्ज़ाम आ गया यहाँ, उसके अंडर आ जाता है हमारा RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा पेज है RBI ग्रेड बी का, ये पेज है हमारा ओपन अप हो गया है, हमें नीचे जाना है, स्क्रोल डाउन करना है, जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे आपको RBI का सब कुछ शो होगा, अपकमिंग लेक्चर्स वीडियोस आने वाले हैं, लाइव कोर्स लेक्चर्स आने वाले हैं, देन हमें और स्क्रोल डाउन करना है, यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखेगा वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज, तो आपने कहाँ पे जाना है, कंप्लीट कोर्सेज पे, मान लो आपने क्लिक किया कंप्लीट कोर्सेज फॉर Phase 1 एंड Phase 2, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज हो जाता है कंप्लीट कोर्स फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 7-day ट्रायल दिया हुआ है, ये हमारे अभिपीडिया की तरफ से एक 7-day ट्रायल एक प्रोग्राम है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दी एस्पिरेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं आप हमारे इस पोर्टल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, क्या क्या वीडियोज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है इस चीज़ को प्रोवाइड करने का, हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, हमारे पास स्टडी नोट्स है, माइक्रो कोर्सेज हैं, मॉड्यूल वाइज कोर्सेज हैं, तो आप ओवरव्यू कीजिए हमारे फुल कोर्स को, ठीक है, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए क्या आपको पेड कोर्सेज के लिए जाना है कि नहीं जाना है, इसके लिए हमारे अभिपीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है 7-day ट्रायल प्रोग्राम विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारे अभिपीडिया पोर्टल पर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दिया हुआ है, जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारे पोर्टल पे आप पहुँच जाओगे, 7-day ट्रायल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, फुल हमारे कोर्सेज को ओवरव्यू कीजिए, उसके बाद अपने डिसाइड कीजिए, ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।